गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाई फाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेरिटेज साइट्स के बारे में। ओवरऑल हम लोगों को बहुत कायदे से मालूम है कि जब हेरिटेज साइट आती है तो या तो हमें प्रसाद योजना मालूम होनी चाहिए या फिर यूनेस्को साइट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और आजकल आप देख रहे हो कि कोई भी साइट उठा के पूछ ली जा रही है पेपर के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे जितनी भी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनको। इसके अलावा 7 बजे जो आपका क्लास हो रहा है उसमें मैंने स्टैटिक दोबारा से जोड़ना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि UPSI का आपको मालूम ही है नोटिफिकेशन आ ही चुका है। SSC का टेंटेटिव डेट बोली गई थी अप्रैल के अंदर, देखो अच्छा ही है कि पेपर हो जाए। और रेलवे तो चल ही रहा है ना, तो सारे एग्जाम और स्टेट PSC, तो सारे एग्जाम के लिए आपका क्या हो जाएगा, एक बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो डेली बेसिस पे जैसे कि गवर्नर हो गए एक दिन, CM हो गया एक दिन, यूनियन टेरिटरीज का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हो गया, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके हम लोग डेली बेसिस पे 7 बजे के क्लास में एक्स्ट्रा 10 मिनट देके उसको करते हुए चलेंगे। बस आपका साथ चाहिए, तभी वही वाली बात है ना, आपका साथ होगा तो तभी सबका विकास होगा। वेल, तो शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। और हाँ, प्लीज 10:30 के क्लास को मिस मत करिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हिस्ट्री मैंडेटरी है और अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप ये बात समझो कि कोई चीज अगर आपको फ्री में मिल रही है और वो ज्ञान आपका पेपर क्वालिफाई करा सकता है, मुझे नहीं लगता कि वो कहीं से भी यूजफुल नहीं होगी। 30 मिनट का क्लास होता है, उसे अटेंड कर लिया करिए। दोपहर में 2 बजे आपका SSC का प्रीवियस ईयर पेपर चल रहा है, तो अगर इच्छा हुआ करे तो आ जाया करिए, आगे आपकी श्रद्धा। चलिए शुरुआत करते हैं सवालों से। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, जंतर मंतर इज लोकेटेड इन। अब आधों के दिमाग में आएगा, मैम जंतर मंतर तो वही जगह है ना जहाँ पे अन्ना हजारे जी ने आंदोलन किया था। मैम दिल्ली इज द आंसर, है ना। आंसर क्या होगा इसका, राजस्थान जयपुर इज द करेक्ट आंसर। अगला, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स ये कहाँ पर लोकेटेड है, इसका आंसर होगा दिल्ली के अंदर है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपसे जयपुर का नाम आएगा तो जयपुर को यूनेस्को के अंदर जब जोड़ा गया था तो वही सबसे आखिरी साइट थी 2019 में। फिर यूनेस्को के अंदर जो सिटीज़ के अंदर जो सिटीज़ जोड़ी गई हैं उसमें 2 सिटीज़ आपको याद रखनी है, पहला है आपका ओरछा, दूसरा है आपका ग्वालियर। अगला देखिएगा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस ये कहाँ पर है, तो ऑब्वियसली बात है छत्रपति शिवाजी आया है तो कहाँ होगी, महाराष्ट्र मुंबई के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलती है। ये हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान से इनको समझिएगा। अगला देखो, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे चंपानेर पावागढ़ ये कहाँ पे, ये एक आर्कियोलॉजिकल पार्क है। तो ऑब्वियसली बात है कि जब भी कोई हेरिटेज साइट आएगी तो उसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे यहाँ पे आइडेंटिफाई करेगा ही करेगा, तो इसका आंसर क्या है, गुजरात के अंदर। अच्छा, गुजरात में आपको यूनेस्को की एक साइट मिलती है जिसका नाम क्या है, रानी की वाव। और आप देखेंगे तो 100 रुपये के नोट पर इसकी इमेज भी देखने को मिलती है, ठीक है। अगला, रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका। अब बहुत अच्छे से पता हुआ है कि जो नियोलिथिक मीजोलिथिक ये जो मैंने आपको पढ़ाया था, पूरी NCERT जो मैराथन में कराई थी, वहाँ पे मैंने आपको भीमबेटका केव्स बताई थी कि जो अवशेष पाए गए थे जिससे ये पता चला था कि पहले के टाइम पे जो लोग थे, जो ह्यूमन थे, वो क्या क्या काम करते थे, एग्रीकल्चर करते थे या ये सारी चीज़ें, तो उसके कुछ अवशेष आपको यहाँ पर देखने को भी मिलते हैं। अभी कुछ टाइम पहले काफ़ी पुराना कुछ और एविडेंसेस देखने को मिले थे ऑडिटोरियम केव में, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, MP के अंदर इसकी लोकेशन है। अगला, महाबोधि टेम्पल कहाँ पर हो जाएगा, बोधि टेम्पल कहाँ होगा, बोध गया बिहार के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। अगला सुनिएगा, माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, अगर हम इसकी बात करें तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी और कालका शिमला ये कहाँ पर है, तो ये हिमाचल प्रदेश में कौन सा वाला हो जाएगा, कालका शिमला है। सिक्किम के एरिया में आप देखेंगे तो ये वाला आ जाएगा, नीलगिरी जो है वो तमिलनाडु के एरिया में आएगा। ये तीनों ही जो है, ये तीनों ही आपको यूनेस्को की साइट के अंदर आते हैं, ठीक है। अगला, कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट, कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली के अंदर है। अब कुतुब मीनार में हमको ये पता है कि चिश्ती जी के नाम पर इसको कंस्ट्रक्ट करवाया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी शुरुआत होती है, इल्तुतमिश इसको पूरा करवाते हैं और इसका जो लास्ट फ्लोर है उसको रिकंस्ट्रक्ट कौन कराते हैं, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया जाता है। अगला, हुमायूं टॉम्ब ये कहाँ पर है, तो ये भी आपको दिल्ली के अंदर ही मिलेगा। नेक्स्ट है, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट ये कहाँ पे आपको मिलता है, तो सांची स्तूपा, सबने नाम सुना हुआ है, बस वहीं पर आपको इसकी लोकेशन मिलेगी MP के अंदर। नेक्स्ट है, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, चोलास टेम्पल कहाँ मिलेंगे, ऑब्वियसली बात है चोला डायनेस्टी कहाँ मिलेगी, चोला है, पल्लवाज है या आपका पांडव डायनेस्टी है, ये सारी डायनेस्टी कहाँ है, साउथ में मिलेंगी, तो जहाँ साउथ डायनेस्टी होगी वहीं पर आपको ये लोकेशन मिलेगी। और यूजुअली
तमिलनाडु आपका आंसर जाएगा। जैसे कि राजा चोला हो गया है ना, आप बृद्धेश्वर टेम्पल है, मीनाक्षी टेम्पल है, तो ये सारे मंदिर चोला डायनेस्टी के टाइम पे बनाए गए थे। चंडेला डायनेस्टी पूछा जाए तो आपको एमपी आना पड़ेगा, जैसे कि आपका खजुराहो टेम्पल हो गया है ना, और अगर सांची स्तूपा आ जाएगा तो अशोका का नाम आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये मालूम होना चाहिए। अगला, एलिफेंटा केव्स, सबको पता है कि ये कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर है। अगर आपसे अजंता केव्स पूछे, एलिफेंटा केव्स पूछे, एलोरा केव्स पूछे, तो ये सारी कहाँ हैं, यहीं पर लोकेटेड हैं। और जो ये एलिफेंटा केव हैं, ये भगवान शिव से जुड़ी हुई हैं। अजंता केव बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है, और अगर आपसे पूछा जाए एलोरा केव, तो ये तीन धर्मों से जुड़ी हुई है, हिंदू, जैन एंड कौन सी हो जाएगी, बौद्ध धर्म। अगला, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट कहाँ पर है, ये छत्तरपुर एमपी के अंदर मिलेगा, मैंने अभी जस्ट आपको बताया चंडेला डायनेस्टीज। अगला है फतेहपुर सीकरी, कहाँ पे होगा, यूपी के अंदर। आगरा का नाम सभी ने सुना है, कोई ऐसा तो नहीं जिसने आगरा का नाम नहीं सुना। अरे आगरा से याद आया, भैया सेशन को लाइक वाइक करने की भी होती है, मतलब कहना पड़ता है ये हमको कि ऐसा काम कर दिया करो। आपका मोटिवेशन कहाँ आता है, जब आप पेपर देखते हो आपको लगता है कि मेरे को सब आता है सब आता है सब आता है, तभी तो मोटिवेशन आता है ना। और मेरा मोटिवेशन कहाँ से आता है, जब मुझे लगता है अरे वाह इतने लोगों ने पसंद किया है, अच्छा इतने लोग लाइव आए थे, अरे वाह, तो यार थोड़ा सा ख्याल कर लिया करो, है ना। चलिए, तो वहीं पर आपको मिलेगा। अगला देखिएगा, चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स, ये कहाँ पर लोकेटेड है, गोवा। चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स नाम से ही पता चल जाएगा गोवा इसका आंसर होगा, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, एलोरा केव्स कहाँ पर है, ये भी आपको महाराष्ट्र में, और अभी मैंने आपको बताया इनके बारे में। अगला, अजंता औरंगाबाद महाराष्ट्र करेक्ट हो जाएगा इसका। आगरा फोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, ऑब्वियस सी बात है यूपी के अंदर होगा। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि जो आगरा है वहाँ पर अभी हाल ही में एक रामसर साइट को चुना गया है, आप मुझे आंसर करके बताओगे कि वो रामसर साइट कौन सी है। इजी क्वेश्चन पूछा है, रामसर साइट्स हम आपको पढ़ा भी चुके हैं, दो दो क्लासेस हो चुकी हैं यार अब तो इसके ऊपर। अगला, विक्टोरियन गोलिथ एंड आर्ट डेको कहाँ पर है, कहाँ मिलेगा ये, ये मुंबई महाराष्ट्र के अंदर मिलेगा। देखो विक्टोरिया नाम से कंफ्यूज होके कहीं कोलकाता मार्क करके मत चले आना। अगला, कैपिटल बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, कुछ याद आ रहा है, ये नाम देख के ना याद आए तो फिर दिक्कत की बात है। आंसर क्या हो जाएगा, चंडीगढ़ इज द करेक्ट आंसर। ड्रीम सिटी है सबसे पहली, स्मार्ट सिटी नहीं, ड्रीम सिटी की बात हो रही है यहाँ पर, और ये आपको मालूम होना चाहिए कि इनके द्वारा इसका जो पूरा मॉडल है वो कंस्ट्रक्ट किया गया था। ये जो जगह है ये आपके यूनेस्को के अंदर आती है एंड इम्पॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा, नालंदा की जब बात आएगी तो आपको राजगृह का नाम याद रखना है, और इसके साथ में मेरे को बताना पड़ेगा, आप मेरे को बताओ कि इसका कंस्ट्रक्शन किसने करवाया था, आंसर करके बताइएगा। हमने अभी चार दिन पहले ही आपको पढ़ाया था जब मैराथन पे पढ़ाई थी, बिहार के अंदर आपको ये मिलेगा। अगला देखिएगा, रानी की वाव, ये कहाँ पर लोकेटेड है, जस्ट आपको आंसर किया था मैंने, गुजरात के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलती है। जैसे कि वो है ना ग्रेट बाथ जो मोहनजोदड़ो में पाया गया था, बिल्कुल वैसे ही इसकी लोकेशन भी है। अच्छा, अगला पूछा जा रहा है चित्तौड़गढ़, है ना, मतलब सारे फोर्ट के नाम लिखे हुए हैं, ये राजस्थान के अंदर हैं, बट ऑब्वियस है यहाँ पर कि ये जितने भी फोर्ट हैं ये आपके हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान हैं। अब मान लो यहाँ पे आपको ये लिख के दे दिया, ये लिख के दे दिया, यहाँ तो खैर चलो राजस्थान मेंशन है, बट यहाँ पे अगर ऐसे ऐसे लिख के दे दिया ना, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, आंसर राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको सारे साइट्स पढ़ा दिए जो अभी लेटेस्ट आपके पेपर में पूछी जा रही हैं, या इन फ्यूचर आपसे पेपर में पूछी जा सकती हैं, बी प्रिपेयर। इसके अलावा सफलता बैच, अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है, आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अपना टाइम शेड्यूल देख के आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जो फी है पूरे साल भर की वो 6,000 रुपीज़ है, जिसपे आपको देखो 10% ऑफ मिलने के बाद में ये अमाउंट है, जिसमें आपको जीएस मैथ इंग्लिश रीजनिंग तो मिलेगी मिलेगी, और जो यूपीएसआई का बैच स्टार्ट होने जा रहा है आपको वो भी इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइन आप इसको ज्वाइन कर लो, कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हो या फिर आप मेरे को मेल कर सकते हो। ठीक, चलो मिलते हैं 7 बजे के सेशन में, टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।